भगवान महावीर का महत्वपूर्ण सिद्धांत पूरे विश्व के लिए सबसे प्रमुख रहा है विश्व शांति का और अनेकांतवाद का। अगर हम बात करें स्यादवाद के सिद्धांत की, तो भगवान महावीर ने इतना स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक धर्म माना जाता है जैन धर्म, और जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सर्वव्यापी है और किसी एक के लिए नहीं है। भगवान महावीर सिर्फ जैनों के नहीं है अपितु सर्व सृष्टि के हैं, और उन्होंने अपने जीवन से, अपने आचरण से और अपने संदेशों से ये बताया कि मनुष्य को कैसा जीना चाहिए, हर जीव को कैसा जीना चाहिए। उनकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक स्यादवाद का सिद्धांत उनके दिया वो प्रतिपादित, दूसरा उन्होंने अनेकांतवाद का दिया। कुछ लोग कहते हैं अहम भाव की कि सिर्फ मेरा धर्म सही है या मैं सही हूँ, तो वो भगवान महावीर ने नहीं कहा। महावीर ने कहा कि अगर आधी गिलास खाली है तो आधी गिलास भरी भी है, और आधी गिलास जो खाली है उसमें वायु भी भरी हुई है। यानी किसी भी रूप में किसी एक का मत सही है ये नहीं कहा जा सकता। भगवान महावीर ने स्यादवाद कहा जो सत्य है वो सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं हो सकता। और यही भगवान की शिक्षा रही कि आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ बनिए, श्रेष्ठ रहिए और सर्व जीवों से प्रेम कीजिए, जिए और जीने दो का जो अमिट संदेश दिया, अमर संदेश दिया प्रभु महावीर ने, वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक मनुष्य को ये बताया कि हर जीव का अपने आप में महत्व है। ऐसा नहीं कि मैं पंचेंद्री हो गया हूँ इसलिए मेरा महत्व है, एकेंद्री का भी महत्व है, पेंद्री का भी महत्व है। और भगवान महावीर की ये शिक्षा जन जन तक जाए। वर्ण व्यवस्था हमारे शरीर में बसी है ये भगवान महावीर ने कहा। उन्होंने स्पष्ट अपने सिद्धांतों में बताया कि मेरा मस्तिष्क जो है वो ब्रह्म से संबंधित है, तो मेरा सिरा जो है वो क्षत्रियता से संबंधित है, मेरा उदर जो है वैश्यता से संबंधित है, तो मेरे शरीर के नीचे का जो भाग है वो शूद्रता से संबंधित है। तो भगवान महावीर ने सभी तरह से ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी है। भगवान महावीर अपने आप में महाब्रह्मांड की यूनिवर्सिटी, ये कहना चाहिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटी पूरे ब्रह्मांड में, वो अकेले भगवान महावीर के जीवन दर्शन से आप समझ सकते हैं। और भगवान की शिक्षा यदि मैं कहूँ तो सूर्य को दीप दिखाने की जैसी है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भूपेंद्र कोटड़िया।